नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रियल ग्रिड में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नई मेड इन इंडिया वीडियो के साथ। दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे देश के दिग्गज कंपनी को हमारी भारतीय सेना के लिए उच्च गतिशील वाले व्हीकल बनाने का ऑर्डर मिल चुका है। दोस्तों एक करोड़ों का टेंडर है और यहाँ पर भारतीय सेना के लिए भारतीय कंपनी के द्वारा मेड इन इंडिया व्हीकल्स को बनाकर तैयार किया जाएगा। दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में सारी जानकारी, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए रोजाना ऐसे ही मेड इन इंडिया वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पर भारतीय सेना को अपने बंदूक, लड़ाकू विमान, जो भी चीजें हैं, कुछ ऐसी कठिन जगहों पर ले जाने पड़ते हैं जहां पर जाना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन वहां पर हैवी व्हीकल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले व्हीकल्स ना हो तो यह काम काफी ज्यादा कठिन हो जाता है और इससे दुश्मन के हमला करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीजें ना हो इसलिए हमारे देश की दिग्गज कंपनी BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि हमारे देश के लिए बहुत समय से काम करते आई है और ये अब 758 करोड़ की लागत से हमारे भारतीय सेना के लिए आधुनिक गतिशील वाले वाहनों को बनाकर तैयार करेगी। तो दोस्तों ये जो वाहन बनकर तैयार होंगे ये भारतीय सेना में यूज होने वाले सबसे आधुनिक वाहन बनकर तैयार किए जाएंगे और ये सारा काम 758 करोड़ की लागत से भारत अर्थ मूवर लिमिटेड पलक्कड़ प्लांट में करने वाली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड हमारी देश की सेना और हमारे देश की रेलवेज, मेट्रोज और तरह तरह के कोचेस बनाने का भी काम करती है, तो इसका काफी ज्यादा योगदान है हमारे इंडिया के लिए। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये काम जल्द ही कम्प्लीट हो। उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक साल के भीतर इस काम को कम्प्लीट किया जाना है। जो आधुनिक उच्च गति वाले चालक हैं उनको बनाकर तैयार कर लिया जाएगा एक साल के भीतर। आशा करते हैं ये काम जल्द ही समाप्त हो। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।